हाय गाइस, हम रेडी हो चुके हैं. दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग अ ग्रीन जंप सूट एंड डेनिम जैकेट ऑन इट बिकॉज बाहर बहुत ठंड है इसके लिए. और मेरा ब्लैक सनीस, आई होप इट्स लुकिंग गुड. एंड मेरी रिंग्स, एक्चुअली मैंने इयर रिंग्स ही पहनी थी, फिर निकाल दी बिकॉज थोड़ा ज़्यादा लग रहा था. ये ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सिंपल सा. तो याच लेट्स गो आउट. अब हम जा रहे हैं गूगली म्यूजियम के लिए. निकल गए, ड्रेस चेंज कर लिया, आपको बताया था. बस हम लोगों ने फिटिंग किया है डेनिम. कितना दूर है यहाँ से? आधा घंटा यहाँ से दूर है. तो बस जा रहे हैं. ये हमारा लेबर होते हैं, हम रुके हुए. फाइनली हमें अच्छे खाने की जगह मिल गई, हम वही खा रहे हैं. ये ऑर्डर लाइक सैलड सैंडविच, लाइक सैलड भी सैंडविच, मिक्स ऑफ एवरीथिंग. तो फाइनली कल से हमें एक ढंग का खाना मिला. चीज़ और बटर इतना गुई होता है, इतना यमी है. इट्स वेरी मेल्टिंग. मोमेंट इट गोज इन योर माउथ, इट जस्ट मेल्ट. कितना बचा है? 12:20. अभी हमारा ऑलमोस्ट एक घंटे में हमारा टाइम हो गया म्यूजियम देखने का. वहाँ जाएंगे, वहाँ दो घंटा लगेगा ऑलमोस्ट, दो ढाई घंटा वहाँ पे स्पेंड करेंगे, फिर आके कुछ अच्छा सा खाएंगे. अभी सिर्फ हमने इसे थोड़ा बहुत पेट भरने के लिए खाया है. पीछे का इंटीरियर इतना मस्त है जगह का, बहुत अच्छा है. एवरी प्लेस, कोई भी जगह जाओ, इतनी पिक्चरिस्टिक है. मतलब आप कहीं पे भी पिक्चर ले सकते हो, लिटरली इतना मस्त है. स्पेशली मुझे ये देखो कितना मस्त लग रहा है यहाँ से, पीछे से काफ़ी अच्छा है. ये एक्चुअली लूवरे म्यूजियम है, वो एरिया आजू बाजू का. ये आ गए हम धीरज खर्चा लूवरे म्यूजियम हो गई है. अब एक्चुअली हमारा 2 बजे का है, हमने एक्चुअली गाइडेड टूर बुक किया है. सो वो हमें 2 बजे मिलेगी, जो हमें लेके जाएगी म्यूजियम के अंदर. तब तक हम ऐसे ही आजू बाजू घूम रहे हैं. बहुत भीड़ है यहाँ पे, लोग बहुत सारे लोग हैं यहाँ, लिटरली लॉट ऑफ पीपल. ना मुझे लगा ना इतने लोग होंगे. Another rainy afternoon, I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. पहुंच गए हम लोग हमारे टूर गाइड के पास. अब 10-15 मिनट में हमारा शुरू हो जाएगा गाइडेड टूर. हम एक्चुअली म्यूजियम के अंदर जाएंगे ना अभी. हमें सिर्फ मोना लिसा वाला ही लिया है क्या? नहीं, म्यूजियम फिर मोना लिसा. फुल म्यूजियम देखने वाले हैं. एक्साइटेड और थोड़ा सा पता नहीं, बिकॉज मुझे म्यूजियम से इतने पसंद नहीं है. सो लेट्स सी हाउ इट गोस. पर तो भी मुझे था कि आयो तो देख लो एटलीस्ट. Need to quiet in the house. I'm just wasted on the couch. Cause I don't wanna feel anything. Wish you'd stay. Stay here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stay. Stay here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. The hour's getting late. I shouldn't sit here contemplating. I just can't stop thinking about us. I won't forget a single thing from drunken nights to Sunday mornings and how you smile at me. Wish you'd stay. Stay here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stay. Stay here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon.
inside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. मॉर्निंग गाइज, इज डे 3। कल इतना थक गए थे हम लोग सुबह। हम एक्चुअली अपने होटल से निकले थे सुबह के 7:30 बजे 8 बजे निकले होंगे, आई डोंट रिमेम्बर। ओ गॉड, उसके बाद से लेके कंटिन्यूस रात के 10 बजे तक हम चल ही रहते हैं, मतलब बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया। तो मतलब ऑलमोस्ट लाइक 5 बजे तो बैटरी इतनी ड्रेन हो चुकी थी कि व्लॉगिंग भी बंद कर दिया था, कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर हम डायरेक्टली होटल में आए और सो गए। हमने कुछ भी अपना फ़ोन भी ऑन नहीं किया। अब सुबह उठे हैं हम, फ्रेशन अप हुए हैं। हमें पैलेस ऑफ वसालिया जाना था, हमने वो भी मिस कर दिया बिकॉज बिल्कुल हिम्मत नहीं है। सुबह 9:30 का हमारा टाइम था, टिकट था हमारा, बट उठने ही नहीं हुआ। हमें लिटरली 7:00 को निकलना पड़ता था अगर हम जाते थे तो, क्योंकि हमारे यहाँ से वो 1.5 घंटा दूर है, मतलब थोड़ा पेरिस के बाहर आता है तो दूर था वो काफ़ी। तो इसलिए हमने मिस कर दिया वो जगह, बिकॉज हमें ये हॉलीडे जैसा लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोज़ हम भाग रहे ये कवर करो वो कवर करो, तो हमने वो वेस्ट कर दिया। अभी हम थोड़ा चिल करेंगे आज का दिन, निकलेंगे थोड़ा ब्रेकफास्ट करके। ब्रेकफास्ट में बताते हम क्या कर रहे हैं। मैं खा रही हूँ पोहा। यस, पोहा खा रहे हैं हम। लेकर आए थे इंस्टेंट वाला, बस वही खा रहे हैं। बिकॉज सुबह ब्रेकफास्ट में यार कितना क्रोसान खाए, मैदा है, कितना मैदा खाएंगे, डाइजेशन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो लकीली हम ये लेकर आए। ये भी कोई, मतलब मुझे लगता है क्रोसान और उससे तो काफ़ी हेल्दी है पोहा, सो बस वही खा रहे हैं। और मुझे इतना सुकून मिल रहा है इसे खा के, घर की याद आ गई इसे खा के। रेडी एंड वी जस्ट लेफ्ट नाउ, लाइक 12 बज गए ना, 12 बजे हम निकले। आज हम काफ़ी लेट निकले हैं, कल हम ना 7 बजे निकले थे और आज हम 12 बजे निकले, बट इट्स ओके। हॉलीडे पे थोड़ा आराम से चिल करना चाहिए, दैट्स इम्पॉर्टेंट बस। एंड दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग अ शॉर्ट्स, अ स्ट्राइप टी शर्ट एंड द पिंक लेनिन शर्ट ऑन इट and hoops and these rings. So yeah, let's go. चलो चले। मैं से ब्लॉग कर रही हूँ, मुझे ही देख रही करके आ रही है लड़की। और धीरे से पहना है वाइट शर्ट एंड ब्लू डेनिम। और ठंड लग रही है थोड़ी थोड़ी, बट ठीक है, बेरेबल है, इतनी भी नहीं है। आ गए हैं आज दिन शाम, ये देखिए अब हम जा रहे हैं। धूप लग रही है, चश्मा पहने आते काम ये है। तो आवाज़ नहीं आएगी, बस अब यहाँ पे आए थोड़ी देर, यहाँ रुकेंगे, फिर उसके बाद नोतरे दाम जाएंगे। और वो अंकल मुझे देख रहे कि लड़की क्या कर रही है, उनको पता नहीं मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। अब अंदर जाएंगे, देखेंगे क्या है। बेसिकली मुझे ऑनेस्टली पूरा ना गेटवे ऑफ इंडिया जैसा वाइब आ रहा है पूरा, यहाँ पे एकदम बीच में लगा रखा, लोग आजू बाजू है एकदम, सकता है खाली फ्रांस का। हाँ, फ्रांस के गेटवे ऑफ इंडिया आ गए हम। पीछे भी कुछ हो रहा है यहाँ पे, कुछ पता नहीं, कुछ कॉन्सर्ट तो नहीं, कुछ तो इवेंट हो रहा है पीछे। बहुत सारे लोग हैं, सुबह सुबह हमें लगाए तो इतने सारे लोग होंगे। वहाँ कुछ हो रहा है, चलो वहाँ देखते क्या हो रहा है। हम लोग टनल से जा रहे हैं, वन साइड टू अदर साइड। अंदर से रुको मैं बताती हूँ आपको। हमने
करने हैं हमें यहाँ पे। सब लोग ऊपर भी जा रहे हैं, हम यहाँ ऊपर जा सकते हैं, बट मेरा कोई मन नहीं ऊपर जाने का। हम नीचे से भी देख सकते हैं, एक ही है ऊपर से, आपको सिर्फ बर्ड आई व्यू मिलेगा बेसिकली पूरे सिटी का, और कुछ नहीं। बट देखने जो आए वो तो बाहर की तरफ है, सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ गोइंग अपस्टेयर्स फॉर मी, नॉट एवरीवन। जो जाना चाहते वो जा सकते हैं लिटरली। हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, यहाँ थक गए ना। और क्लाइमेट इतना प्लेजेंट है, यूरोप का क्लाइमेट की बात ही कुछ अलग है। यहाँ सच्ची में इतना प्लेजेंट होता है ना यहाँ का क्लाइमेट, लाइक ह्यूमिड तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज मैं मुंबई में आपको पता है कितना ह्यूमिड होता है, यहाँ पे बिल्कुल भी ह्यूमिड नहीं होता। मेरे बाल भी इतने अच्छे रहते हैं यहाँ पे, एकदम स्ट्रेट सिल्की, बट नॉट इन मुंबई। आई होप ऐसा वेदर मुंबई में होता, बट इट्स ओके। और लंच करने आए और फाइनली हमें एक अच्छा रेस्टोरेंट मिला, मतलब कल भी मिला था तो आज और अच्छा मिला है हमें रेस्टोरेंट। लाइक मैं आपको बताती हूँ क्या खा रहे हैं, और दिखने में इतना अच्छा लग रहा है। पहले हमने एक डिटॉक्स जूस ऑर्डर किया, वो भी काफ़ी टेस्टी था। अब हम बता रहे हैं क्या खा रहे हैं। ये है फलाफल, फलाफल है, और ये पीटर ब्रेड का कोई टेस्ट, बहुत ही अम्मी है। आप खा के देखते कैसे। हम नाइकी के स्टोर में आए हैं जूते देखने के लिए, बहुत बड़ा स्टोर है। मुझे एक जूता पसंद भी आया, बट हम नहीं ले रहे हैं वो, क्योंकि लिए हम लोगों को वेट लिमिट है ऑलरेडी, हम लोग ओवर वेट हो चुके हैं जाने के लिए, हमें लगेज में एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने जूते भी नहीं लिए। जॉर्डन मुझे पसंद आया था, बट लेट्स सी डी एस बोल रहा है इटली मुझे मिलेगा, तो मुझे लग तो नहीं रहा है, ज़बरदस्ती बोल रहा है मुझे। यूरोप में एक चीज़ ये है कि तुम चलते रहो चलते रहो चलते रहो, इतना चलो कि वो रोड ही ना ख़त्म हो। इतना चल रहा है ना, मेरे पैर से दर्द है ना, कमर में आ गया लिटरली, और चल ही रहे। अब थोड़ा हम रेस्ट कर रहे हैं बैठ के, फिर से चलना शुरू करेंगे। सुबह तीन दिन से चल ही रहे, अब और अटा, और मतलब 15 दिन चल रहा है हमें। आज हमारा लास्ट डे है पेरिस में, और फिर हम जा रहे हैं रोम। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं वहाँ के लिए, बिकॉज मुझे ऑनेस्टली प्लान मेरा शुरू हुआ था इटली से, मुझे इटली ही जाना था। पेरिस तो हमने ऐड कर दिया लास्ट मंथ पे, बट मेरे को पेरिस भी आना ही था। सो या पेरिस में 3 दिन हो गए हमारे, अब कल से हम जाएंगे रोम। बहुत एक्साइटेड हूँ, सुबह की मेरी फ़्लाइट है 8 बजे की। 8 बजे की फ़्लाइट है ना? हाँ, 8 बजे, 12 बजे, 8 बजे निकलना पड़ेगा। 12 बजे की फ़्लाइट है हमारी। सो आज हम लोग बहुत चिल डे रख रहे हैं, मतलब यहाँ सिर्फ स्ट्रीट्स डिस्कवर कर रहे हैं बहुत सारे। सुबह तो हमने बताया, जैसे ये पैलेस ऑफ वर्सायल हमने मिस कर दिया, बिकॉज बहुत टायरिंग हो रहा था। फर्स्ट 2 डेज तो हम इतना दौड़े, यहाँ गए वहाँ गए ये गए। सो आज लास्ट डे हमें थोड़ा सा एकदम सिंपल सा रखा है, थोड़ा कम हेक्टिक रखा हुआ है। सो या अभी तो बस स्ट्रीट्स पे ऐसे बैठे हुए थोड़ा आराम कर रहे हैं, फिर से हम यहाँ से वहाँ घूमने जाएंगे। बट हम ये जो स्ट्रीट पे आज आए हैं ना, यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे खाने के ऑप्शंस है, मतलब 2 दिन से हम खाना ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि खाना नहीं मिलता है, ऑफकोर्स मिलता है खाना, बट टेस्ट मुझे नहीं आ रहा था खाने का। मतलब मुझे ऐसा नहीं कि मसाले वाले खाना खाने थे, इंडियन खाने मतलब नॉर्मल खाना खाना था, बट कहीं पर टेस्ट अच्छा आया था। बट लकीली यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। ये शॉज़ेलीज़े स्ट्रीट है एक्चुअली, जहाँ पे सारे एलवी के स्टोर्स हैं, नाइकी, डियोर, शनेल। ये स्ट्रीट में बहुत अच्छे अच्छे खाने का है। तो हमने अभी खाया, आपको बताया फलाफल एंड एवरीथिंग, बहुत यम्मी था। एक थोड़ा पंगा हो गया, एक डिश हमने जो ऑर्डर की नॉन वेज आई, लकीली मैंने नहीं खाया, धीरज ने खाया, वो मैं बच गई। क्योंकि कोई भी खाना आता है मैं पहले धीरज को टेस्ट कराती हूँ, धीरज टेस्ट करके बता वेज है कि नॉन वेज है। धीरज का दम भ्रष्ट होगा चलेगा, मेरा नहीं होना चाहिए।
अब हम आए पेरिस के स्टारबक्स में. आई शो यू बहुत यूज है, देखना. Though you're earthbound. How is it? Hi, अभी हम ये कर रहे हैं, अभी हम वो कर रहे हैं. पूरी वीडियो में यही बोल रहे हैं. नहीं, हमें कुछ नहीं दिखा रहा, बस हो गया. अभी नहीं बोल दे, किसी को भी फ्रांस में आना है. नहीं एक्चुअली ना, नहीं फ्रांस सब आएंगे शॉज लीजिए. यहाँ पे इतने सारे ब्रांड्स हैं ना, मतलब क्या ही बताओ. इतनी सुंदर सुंदर कपड़े, इतनी हर एक चीज़ सुंदर है यहाँ पे. बेसिकली तो हम बस स्ट्रीट ही एक्सप्लोर कर रहे हैं. आई एम द वन जो शॉपिंग में इतना इंटरेस्ट लेता है, विंडो शॉपिंग कर रही हूँ. आज उल्टा हो गया. आज धीरज सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है सब चीज़ों के अंदर, कि इसको घर नहीं जाना है. मतलब हर स्टोर में जा जा के देख रहा है, अरे ये देख ये देख ये देख ये देख. लिटरली अभी थोड़ा शाम हो गया, थोड़ा धूप बढ़ गया ना. अभी थोड़ी ठंड तो चली गई है, धूप हो गई, गर्मी लग रही है. लकीली अच्छा हुआ मैंने कुछ ऐसा पहना नहीं. सुबह इतनी ठंड होती है, एक तो यहाँ का वेदर समझ नहीं आता. सुबह इतनी ठंड होगी, दोपहर को गर्मी होगी, और रात को उससे डबल ठंड होगी. मतलब इनका क्लाइमेट तीन मोड में चलता है लिटरली. अभी हम यही देखते हैं आगे और क्या प्लान है. एक्चुअली आपको लगता है क्या दिखाऊँ, मतलब ये स्ट्रीट सी स्ट्रीट ही स्ट्रीट दिखा रही हूँ आपको. एक ये एक वो, कल जैसे हमने आईफिल टावर देखा. कल क्या को देखा था हमने? हमने वापस आईफिल टावर गए थे, और शाम को गए थे सियाना रिवर क्रूज किया था, लूवर म्यूजियम गए थे, और आज हम आर्क दे ट्रॉम गए. वो सभी किया है हमने अभी. चलो लास्ट नाइट इन पेरिस ईटिंग पिज़्ज़ा एंड वॉचिंग आईफिल टावर. I'm gonna miss it badly. Yeah, बहुत miss कर रही हूँ. Good morning, guys. It's morning 7:30 और हम लोग बस निकल चुके हैं पेरिस से. हमारी ऊबर जस्ट आने वाली है, ऊबर का ही वेट कर रहा है. हमारी 11 बजे की फ्लाइट है, एक्चुअली 11:30 की फ्लाइट है. सो या अब हम निकल रहे हैं, अब रोम के लिए जा रहे हैं. हम इटली ट्रैवल करेंगे पूरा 15 दिन. एंड आई एम सुपर एक्साइटेड, एंड लाइक दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ पेरिस, एंड आई एम गोना रियली मिस दिस प्लेस. इट वाज रियली ब्यूटीफुल. 3 दिन बहुत मज़ा आया, बहुत जगह घूमे, बहुत मेमोरीज हमने बनाई. धीरज इज आउटसाइड, एक्चुअली वो ऊबर का वेट कर रहा है. ऊबर आएगा तो हम जल्दी से जाएंगे. ऑलरेडी हम थोड़े से लेट हो चुके हैं इसके लिए. सो आई वाज टेलिंग कि बहुत मेमोरीज बनाई, मतलब मैंने मैनिफेस्ट किया था आईफिल टावर के इधर आना. लाइक मुझे लगा नहीं था मैं हो उस, ये यूरोप ट्रिप ना इतना होगा भी नहीं होगा भी ऐसे चल रहा था, एकदम कोई फिक्स नहीं था. सो व्हेन आई वाज लाइक अंडर आईफिल टावर, मैं और धीरज जी बोलते शिट हम सच में आ गए यार पेरिस. हमने सोचा ही था हम आएंगे, और सच में पेरिस आ गए. बिकॉज मेरा यूरोप ट्रिप 2 साल से कैंसिल हो रहा है. हाना चल रहा था, और फाइनली मैं इधर हूँ. अब मैं जा रही हूँ इटली. इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. फूड, खाना, ट्रैवल, एवरीथिंग. सो सी यू इन इटली, इन रोम बाय द वे. बाय.